उधर मेरा तलोक आते ही घासी उस्मान से था ना? हाँ जी। सलमान के साथ नहीं था? नहीं। उस्मान मर तालुकात कब से हैं? बात ये मुझे बताओ। अब ये बताओ उस्मान के साथ तालुकात कब से हैं? अब ये तो बता दो। आमदा त्यांदा से तालुकात बन गए थे। कितने अरसे से थे? होगा ना 9-10 महीने। 9-10 महीने हो गए ना। कहानी खुल चुकी है 27वीं रमजान की रात जो घिनौना खेल खेला गया, इसमें मक्तूल की बीवी भी मुलव्वस थी। इस जालिम औरत ने एक लम्हे के लिए भी ना सोचा कि उसके बच्चों का क्या होगा। आइए मिलिए इन मासूम बच्चों से जिनकी अपनी मां ने उन्हें यतीम बना दिया। अभी एक और भयानक इंकशाफ होना बाकी है। ये मेरे साथ चांद है, ये मेरे साथ आमना है और ये बिलावल है। किस क्लास में पढ़ते हो? चौथी। किस क्लास में पढ़ते हो? चौथी। अच्छा, फोर्थ में पढ़ते हो, चौथी क्लास में पढ़ते हो। आप? प्रेप। प्रेप में हो। और आप? नर्सरी में। ओहो, ये तो कौन ज्यादा शरारतें करता है? चांद। चांद शरारतें करता है? क्या शरारतें करता है? मारता है। किसको मारता है? मुझे। तुम्हें मारता है? और बिलावर। बिलावर को ही मारता है? क्यों मारते हो छोटे बहन भाइयों को? अब्बू से ज्यादा प्यार कौन करता था? हाँ, अब उससे ऐसे प्यार करते थे। अच्छा, आपको मारते हैं ये बिलावर? हाँ। ये चांद मारते हैं आपको? पिटाई करें चांद की? तो ये बच्चे हैं और आप अभी देख सकते हैं कि अभी तक इंतहाई सहमे में, और सहमे में क्यों भी ना हो, इनके साथ जो गुजर चुके हैं शायद इनको तो अभी अंदाज़ा नहीं, लेकिन जैसे जैसे ये अभी ज़िंदगी की सोबतें बर्दाश्त करेंगे आगे जाएंगे, ना जाने इनके साथ क्या होगा। अल्लाह खैर करे लोगों के साथ। फैमिली अभी इनकी अल्हम्दुलिल्लाह है यहाँ पर जो बाकी लोग हैं, लेकिन मैं को भी बताता चलूँ कि वो जब ये सारा वाक्य 27वीं की रात को हुआ तो इनमें से एक बच्चा जो था वहाँ पर मौजूद था, वो चश्मदीद गवाह भी था। उससे मैं सारी बातें दोबारा नहीं पूछना चाहता क्योंकि मुझे मुनासिब नहीं लग रहा कि मैं ये सारी बातें जो हैं जो कि इंतहाई तकलीफ़ दें उससे दोबारा पूछूं, लेकिन ये ज़रूर है कि उस बच्चे का क्या कसूर था, उसको जहन में नक्श होगी होंगी सारी बातें, और वो किस साइकोलॉजिकल ट्रामा से गुजरा होगा और अभी भी गुजर रहा होगा। तो ये जो एक हवस और एक की आग जो है इसने किस तरह से बर्बाद किया, इस फैमिली को आप अंदाज़ा लगा सकते हैं।